ये यहीं रोक दीजिएगा, ये कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं किसानों के और एक्टिविस्ट के और उन लोगों के जो किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, इनको ब्लॉक कर दिया गया है। लगभग 35 फेसबुक अकाउंट्स, 14 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, 49 ट्विटर लिंक्स और 42 ट्विटर हैंडल्स, एक स्नैपचैट अकाउंट और एक रेडिट अकाउंट, ये भारत सरकार ने इन पर पाबंदी लगा दी है जब तक किसानों का आंदोलन। अगला चलाइए। हेलो 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 नहीं, ये कुछ और ही है, ये आवाज इतनी तेज होती है, हम और आप सुन रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ किसानों से बातचीत मंत्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ खेतों में घुसकर ये स्थिति हो रही है। ठीक है, अगला सुनाइए, दिखाइए। ये पढ़िए ध्यान से तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये 2014 6 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी किसानों को भड़का रहे हैं। तो आज किसान क्यों भड़के हैं, उनको किसने भड़काया है, इस स्क्रीनशॉट, इस ट्वीट से, इस पोस्ट से आपको मालूम पड़ेगा कि आज किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की इस बात को बड़ा गंभीरता से ले लिया, जो बात नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2014 को कही थी कि किसानों का हक है, उनको भीख नहीं मांगनी चाहिए, ये MSP उनका हक है। उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री रहे, जब किसान सड़कों पर आए, पिछली बार जब आए तो आपने देखा क्या हुआ, 750 किसान शहीद हुए, इनके कान पे जू नहीं रहेंगी, लाइट जला दी। और अब यह स्थिति है कि दूसरी बार सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि वादा खिलाफी नरेंद्र मोदी ने की है, प्रधानमंत्री ने की है, भारत सरकार ने की है, तो उनके ट्विटर अकाउंट बंद, इनको क्या लगता है साहब कान बंद कर देंगे तो सुनाई नहीं देगा, ट्विटर अकाउंट बंद कर देंगे तो जो हो रहा है वो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। गरीबी हटाने से कोई मतलब नहीं, गरीबी को ढक देते हैं जब ट्रंप आते हैं तो, ये या G20 होता है तो, ये मानसिकता दर्शाता है। अगर अफवाहें बंद करनी हैं तो सबसे पहले तो आप जो IT सेल है आपकी, भारतीय जनता पार्टी की, वही बंद कर दीजिए। किसानों के ट्विटर हैंडल बंद करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उनका गला घोंट के आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज इस देश तक नहीं पहुंचे, ये आपकी मंशा है। टेलीविजन डिबेट्स में किसानों का मुद्दा खत्म होता चला जा रहा है, जितना वहां आंदोलन तेज हो रहा है वहां उतना टेलीविजन पे कम होता जा रहा है, क्यों? यह भी दबाव डालने की एक तरीका है कि किसानों की बात कोई रख नहीं पाए। कल 21 फरवरी है, बड़ा एक महत्वपूर्ण दिन है। पंजाब में 21 फरवरी 1924 में जैतोदा मोर्चा, बड़ा मशहूर एक इवेंट है जो मनाया जाता है, जब अंग्रेजों ने किसानों पर गोलियां चलाई, सिख किसान थे, और काफी लोगों को मार दिया या घायल कर दिया। नेहरू जी को ये बात पता चली, तुरंत वहां गए, अपना समर्थन दिया किसानों को, और बड़ा अच्छा नेहरू जी ने किसानों पर उस वक्त लिखा था। मुझे लगता है क्योंकि नेहरू जी पे तो विशेषज्ञ हैं आजकल नरेंद्र मोदी, ये जो जैतोदा मोर्चा है, कल उसकी 100 साल पूरे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी जी को नेहरू जी की शरण में जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए नेहरू जी ने जैतोदा मोर्चा पर जब गोलीबारी हुई तो क्या बोला, बड़ा महत्वपूर्ण, उनको कुछ सीखने को ही मिलेगा इसमें।
कुछ नया जानने में कोई गलत नहीं होता। तो आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचक, और जो जो जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था ठीक उसका विपरीत जब वो प्रधानमंत्री बने वो कर रहे हैं। अव्वल दर्जे के झूठ उनके पकड़े जाते, एक के बाद एक झूठ, एमएसपी पे झूठ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे झूठ, आंदोलनों पे झूठ, तमाम झूठ एक प्रधानमंत्री के जब पकड़े जाएं तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा जो अब कर रहा है, इंटरनेट बंद कर देगा, टेलीविजन पे दबाव डालेगा, हेडलाइन बदलेगा, तोड़फोड़ करेगा, इधर उधर से एमएलए खरीदेगा, नेताओं को तोड़ेगा, इधर से इस पार्टी से आ जाओ, ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर, कुछ नहीं हुआ तो खालिस्तानी। किसानों को बदनाम करने का जिस तरह से इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है, हमारे वक्त कई आंदोलन हुए, अभी मैं संजीव जी और विनीत जी को बोलूंगा, एक वीडियो है अटल जी का किसान के आंदोलन को समर्थन देते हुए, वो भी आपको देंगे। विपक्ष का की एक जिम्मेदारी होती है देश में इस तरह के आंदोलन हो और इतना बड़ा तबका किसानों का कोई मांग कर रहा हो उसमें विपक्ष खामोश बैठ जाए, जो कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं, तो वो संभव नहीं हो सकता। फिर हम अपनी जिम्मेदारी से में चूक रहे होंगे। मीडिया को आप खामोश करने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर ना बोलें, आप सोचते हैं कि मीडिया और विपक्ष खामोश हो जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, नया मीडिया खामोश होगा और न विपक्ष खामोश होगा। आप जब आपके अपने वित्त सलाहकार एक रिपोर्ट देकर कहते हैं कि दालों पर एमएसपी बढ़ाया जाए तो आप उस रिपोर्ट को दबा के बैठ जाते हैं। कब फिर दालों पर आप कीमत ज्यादा देते हैं? जब किसान सड़क पर आते हैं। मैं वो रिपोर्ट भी आपके सामने आपसे साझा करूंगा। तो हमारा आप सबसे आग्रह है कि नरेंद्र मोदी जी को आप लोग समझाइए, लिख कर समझाइए, बोल कर समझाइए कि साहब दुश्मन नहीं है किसान, और ये जो मांग रहे हैं वो वही मांग रहे हैं जो आपने 2014 से पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, वही बात वो मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एमएसपी का एक गारंटी दी है कि हम जब सरकार बनाएंगे ये अन्याय दूर होगा और हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, और कोई कारण नहीं है कि नरेंद्र मोदी आज सरकार में कुछ महीने और हैं तो ये काम क्यों नहीं कर रहे। उनसे पूछिए क्या दबाव है, क्या किसी औद्योगिक घराने की लॉबी का दबाव है, विदेशों से दबाव है, कहां से दबाव है? नरेंद्र मोदी क्यों इतने डरे हुए हैं, क्यों किसानों को डरा रहे हैं, क्यों उनकी मांग पूरी नहीं हो? कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी किसी दबाव में दिख रहे हैं। किस लॉबी के दबाव में वो आप लोग पता। हम जो हमारी घोषणा पिछले हफ्ते हुई एमएसपी की, उसका सबने स्वागत किया है, और जब भी वो चाहेंगे हमारे किसी भी नेता से मिलना चाहेंगे, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। ये प्रधानमंत्री का निवास नहीं है कि जहां दरवाजे बंद रहें किसानों के लिए, कान बंद हो जाएं, सुने ही नहीं प्रधानमंत्री किसानों की आवाज़। राहुल गांधी भट्टा पारसोल से अगर आप उनकी यात्रा देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो हर बार किसानों के मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। समाधान सरकार के हाथ में है। एक तरफ आप बातचीत कर रहे हो, दूसरी तरफ जो आपने अभी वीडियो में देखा वो सब करेंगे तो नियत बताएगा। आप 3-3 घंटे किसानों को इंतजार करवाते हैं मंत्री बैठक में जब जाने वाले होते हैं, ये क्या दर्शाता है? आप उनको अपमानित करना चाहते हैं, आप उनको एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दबाना चाहते हैं कि साहब हम बड़े हैं आप छोटे हो, हम अपने हिसाब से अपने समय पर आएंगे। ये क्या दिखा रहा है आप? क्या ये दिखाता है कि मंशा है उनकी समाधान ढूंढने की? मुझे तो नहीं लगता। किसानों को क्या लगता है वो किसानों से आप पूछिए। आप बातचीत अगर करते हैं तो साफ मन से अगर आप बातचीत करेंगे तो जिससे आप बातचीत करें उसे भी समझ में आएगा कि ये इनकी नीयत साफ है। आप एक तरफ बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ आपकी आईटी सेल पूरे हमले बोलती है किसानों पर, आप इंटरनेट बंद कर देते हो, जिनसे आप बातचीत कर रहे हो कमरे के भीतर उनका इंटरनेट हैंडल जब वो बाहर आते हैं ट्विटर हैंडल बंद हो चुका होता है।
तो ये क्या दिखा रहा है? तो अगर सरकार चाहती है कि समस्या का समाधान हो, सरकार के हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है, वो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कल कहा कि जिस तस्वीरें आंदोलन की निकल के आ रहे उससे लगता नहीं आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है। ये बोल बोल कर जिस तरह से वो अपमानित कर रहे हैं किसानों को, जनरल वीके सिंह बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। तमिलनाडु का किसान भी समर्थन कर रहा है, मेरे राज्य राजस्थान का किसान भी समर्थन कर रहा है, हरियाणा का किसान भी समर्थन कर रहा है, उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकें खाप पंचायतों की हो रही हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं। तो ये कहकर वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। किसान आंदोलन हो या कोई भी प्रोटेस्ट हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिक्योरिटी फोर्स जो आपने दिखाया जो कर रहे हैं, तो ये क्या क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? बिल्कुल है। आप किसी का आवाज दबा दें वो भी क्रिमिनल है, वो भी गलत है। किसी का आप ट्विटर हैंडल फेसबुक सब बंद कर दें वो भी गलत है। सड़कें सरकार खुद बंद कर दे वो भी गैर कानूनी है। किस नियम के तहत आप सड़कें बंद कर रहे हो? बदनाम आप किसान को करते हो कि किसानों ने सड़क बंद कर दी। किसानों ने तो सड़क बंद नहीं की, सड़क तो सरकार ने बंद की, इंटरनेट तो सरकार ने बंद किया। इस तरह से 3 किसानों की शहादत हो जाना, 100 किसान घायल हो जाएं, लगातार आप आंसू गैस छोड़ रहे हैं उन पर। कितने घंटों तक आंसू गैस छोड़ी आपने उन पर, ये क्या सही कर रहे हैं आप? पूरे नई दिल्ली में आपने 144 लगा रखा है, प्रगति मैदान में तो आपका राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो गई थी, नहीं था 144? ये 144 सिर्फ किसानों के लिए है, विपक्ष के लिए है, किसके लिए है? पवन जी, जैसे सरकार आए दिन इंटरनेट पर बैन करती है, अगर इंटरनेट की अगर बात करें तो आज के दिन में हमारी एक आम दिनचर्या की जरूरतों के साथ साथ तमाम जो हमारे काम होते हैं वो इंटरनेट पर ही डिपेंड होते हैं, लेकिन आए दिन ऐसा देखने पाता है जब भी कुछ ऐसी घटनाएं होती सरकार पहला काम करती इंटरनेट पर बैन, सूचना बंद हो जाए। उनको लगता है कि ना हमें मालूम पड़े मणिपुर में क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा। किसानों के आंदोलन में क्या हो रहा है, जानकारी खत्म हो जाएगी। ये तरीका बहुत ही फासिस्ट तरीका है, गलत तरीका है। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता, इस तरह तरीके से सरकारें नहीं चलती। सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है, उस पर अभी मैं राजनीतिक टिप्पणी करूं उससे कोई लाभ नहीं। अभी वेणुगोपाल जी ने आपको उस पर पूरी तरह से एक स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, तो फिर उसके बाद कुछ और तो है नहीं, सब कुछ स्पष्ट उन्होंने कर दिया। सर, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कैमरे पर कह रहे हैं कि यूपी में गठबंधन किया है और इसकी जिम्मेदारी वो, देखिए मैं प्रवक्ता की सफर तय करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। प्रवक्ताओं को की बात अगर हो, मुझे नहीं लगता कि प्रवक्ता हर कमेटी के सदस्य होते हैं, तो अगर किसी प्रवक्ता ने कहा है तो इंतजार करिए, उनके नेताओं को भी कुछ कहने दीजिए। हमारे यहाँ से एक बयान अभी जारी हुआ ही है, आपने सुना है। आपने सब कुछ पूछ लिया किसानों के अलावा जनेंद्र जी? लगातार इस तरीके से बयान आना, न्याय यात्रा में शामिल नहीं होना, क्या आपको लगता है एक गलत संदेश भी जा रहा है इंडिया अलायंस के लिए? जिस तरह से अखिलेश यादव ने खुलकर बोला है कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं फाइनलाइज होगी वो न्याय यात्रा का पार्ट नहीं है। एक भाजपा का विधायक शिवसेना के पार्षद पे गोली चला देता है, ये होता है गठबंधन का धर्म। आप हमारे गठबंधन पे बड़ा ध्यान रखते हैं कि वो यात्रा में आए या नहीं आए, कितना चले, कितने कदम चले, कितनी देर तक चले, वहाँ गोलियां चल रही हैं साहब, जरा ध्यान दीजिए। हो गया, अब 1-to-1 नहीं। हाँ, पूछना है तो पूछ लीजिए। मराठा रिजर्वेशन पर आप कोई प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, फिलहाल कोई प्रतिक्रिया मराठा रिजर्वेशन पर नहीं। अब इससे ज्यादा शर्म क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार कर दिया और आप में से कुछ साथी, आप यहां तो नहीं बैठे वो, लेकिन टीवी पर, और अगर टीवी पर नहीं तो अपने ट्विटर पर जिस तरह से उस रिटर्निंग ऑफिसर की रक्षा में खड़े हुए दिख रहे थे,
मुझे लगता है अब तो उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल बंद कर दिया होगा। वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मैंने घपला किया, लेकिन हमारे पत्रकार बंधु एक हैं जो बोले नहीं नहीं उन्होंने कोई घपला नहीं किया। तो ये लोकतंत्र की इतिहास में एक काला अध्याय है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव। और हमें तो लगता है कि बनवारी लाल जी का इस्तीफा के तार इस चुनाव और इस घपले से कहीं जुड़े हुए। वो बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं और उसूल पे चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारे पार्टी में रहे हुए तो हम जानते हैं उनके विषय। अचानक राज्यपाल का इस्तीफा हो जाना ये भी कुछ दिखाता है। कोर्ट का मामला है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन पहले जो राहुल जी के साथ हुआ उनकी सदस्यता तक रद्द हुई और रद्द होते ही उनको मकान भी उनका छीन लिया गया। फिर अदालत के रास्ते फिर से सदस्यता बहाल हुई, वो आपके सामने है सब कुछ। ईडी के सामने 50 घंटे 52 घंटे राहुल गांधी को बैठना पड़ा। तो ये सब संघर्षों की दास्तान उनकी बहुत लंबी है और कितनी भी रुकावटें सरकार हमारे रास्ते में डालेगी लाएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुगने जोश के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। जी डन। बिल्कुल बुलाना चाहिए, नया संसद बना है, बड़ा खूबसूरत है सुना है। तो उस सदन में अगर इस देश की अन्नदाता के विषय में कानून बनाने के लिए अगर आप एक सत्र नहीं बुला सकते तो किस काम का ये हजारों करोड़ का आपका प्रोजेक्ट। और संसद सिर्फ एक आदमी की बात सुनने के लिए नहीं होता है। अभी इस देश में ये स्थिति बन गई है कि सबका मुंह बंद, सिर्फ कान खुले रखो और एक आदमी की आवाज सुनते रहो। उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। वो अपनी बात करता रहे, आप सुनते रहो। इंटरनेट बंद, किसानों के सारे हैंडल्स बंद, सब बंद, सिर्फ नरेंद्र मोदी की आवाज गूंजनी चाहिए पूरे देश में। तो ये जो आत्ममुग्धता है उस व्यक्ति की, वो इस इंतहा पे आ गई है अब कि अब लोग हंसने लग गए उन पर। कारण क्या है कि एक ही राज्य के इतने सारे आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गए, उनको निष्क्रिय कर दिया गया। इसका उत्तर केंद्र सरकार को देना होगा, किस कारण से आपने ऐसा होने दिया। अब आप टेक्निकल ग्लिच बोलेंगे तो ऐसी कौन सी टेक्निकल ग्लिच है जो एक ही राज्य पर लागू होती है, इसका उत्तर तो आपको सरकार से लेना चाहिए।